हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। इस बिल्डिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको लेवल मेरे ख्याल से 32 चाहिए, आपको 32 पता नहीं 38 चाहिए, मिनिमम 32 होगा। आप ज़रूर चेक कर लें अपने कीप लेवल के 32 होने के बाद, अगर नहीं तो ये कीप लेवल 38 के बाद एक्टिवेट होगा। इन दोनों में से एक है क्योंकि मुझे याद नहीं। पर इस बिल्डिंग का फ़ायदा क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका 21 लेवल तक आप अपग्रेड कर पाएंगे कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद या बिल्डिंग्स अपग्रेड करने के बाद। पर जब ये 22 लेवल करने वाले होंगे तो विक्ट्री कॉलम 6 चाहिए, लेवल 6 चाहिए। और लेवल 6 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 तक कर लिया था, उसके लिए आपके 5 जनरल के 10 स्टार मीन्स 5 जो रेड स्टार होते हैं आपके 5 जनरल्स के कंप्लीट हुए होने चाहिए। तो मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा 22 को, क्योंकि रेड स्टार बहुत मुश्किल है एक्टिवेट करना। तो इसके अंदर चलते हैं बिल्डिंग के। यहाँ आप देखेंगे जब आप अपने जनरल को अप्लाई करेंगे, ये मेरे जनरल मैंने रेड स्टार वाले अप्लाई किए थे, तो मैं आपको दिखा सकूं कि क्या मिलता है। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 स्टार जो येलो कलर के हैं। याद रखें, आप अपने रेलिक से जो जनरल मिलते हैं उनको बेचें मत, क्योंकि वो जनरल आपको यहाँ पर काम आएंगे और उनके रेड स्टार को बढ़ाने में आपकी हेल्प होगी। आपके जनरल का जो स्पेशलिटी है वो एक्टिवेट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस जनरल की स्पेशलिटी मैंने सारी एक्टिवेट नहीं की। कल्टीवेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ क्या चाहिए, जैसे ये जनरल है ये भी लगा सकता हूँ मैं, मगर उनके जो येलो स्टार है ये लगे होने चाहिए। जैसे ये जनरल मैंने लगाया हुआ है दूसरी नंबर पे यहाँ पर, तो आपको क्या चाहिए, येलो स्टार और रेड स्टार 5। अगर आपने उसकी पावर, ये सारे जो रेड स्टार वाले जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट करने हैं। जैसे आप देखें बिल्डिंग 1 में चले जाते हैं हम, तो यहाँ देखें आप सिटी में सेज मशीन HP बढ़ गया, ग्राउंड ट्रूप डिफेंस बढ़ गया, जो मेरे सिपाही घुड़सवार हैं जो जा रहे हैं उनके, तो जो मेरे घुड़सवार जो हैं वो मार्चिंग माउंटेड ट्रूप अटैक जो है वो बढ़ गया। सॉरी, अभी कोई मेरे काम पर आया था तो वो कुछ पूछ रहे थे उसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा चुप कर गया। तो दोस्तों, इसमें मार्चिंग माउंटेड ट्रूप अटैक जो है वो बढ़ गया। अगर मैं 5 के 5 स्टार बढ़ा दूं तो ये सारे बफ मुझे मिल जाएंगे। ग्राउंड ट्रूप में भी ऐसे ही होगा। तो अब इसकी ट्रिक देखें आप, बहुत बढ़िया। रैलिक में जाएंगे आप, रिवॉर्ड्स देखें, यहाँ पर देखें आपके पास इलेक्ट्रा है रेंज ट्रूप के लिए। अगर आपको कोई भी मिल जाए, टॉमी रेस मिल जाए या अल्फ्रेड द ग्रेट मिल जाए, ये सभी जनरल की चेस्ट बचा के रखें। इसमें आपको तीन तरीके के जनरल मिलेंगे, ग्राउंड ट्रूप, माउंटेड ट्रूप और आर्चर। सेज मशीन के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, रिक्रूट में जाना पड़ेगा। रिक्रूट में आपको आसानी से यहाँ पर जो जनरल अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि रिक्रूट, पोर्ट्रेट और यहाँ है अमेरिकन येरा शेयरमैन। ये मेरे पास है जनरल, मगर इसके स्टार लेवल अप बढ़ाने के लिए मुझे और भी शेयरमैन के फ्रेगमेंट्स के लिए और भी इसकी चेस्ट खरीदनी पड़ेगी जेम्स के साथ, या फिर रेंडमली जब भी मुझे मिलेगी वो सेव करता रहूँगा मैं। 10,000 जेम लगेंगे उसको डिसेंपल करने में। तो चौथा यहाँ से सेज मशीन वाला मिल जाएगा आपको। यहाँ पर एक और जनरल है जो है ये रहा सेज मशीन के लिए,
और सेज मशीन के लिए ये रहा, दो जनरल हैं, जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप अपने जनरल्स को अप्लाई करें, इनके बफ्स ले लें सारे स्टार बढ़ाने के बाद, ताकि आपकी डिफेंस ज़्यादा बढ़िया हो सके। जब प्रमोशन में जाएंगे, प्रमोट करेंगे आप, तो प्रमोशन में आप देखें मैंने कुछ लेवल्स बढ़ा लिए इकट्ठी करके ये आइटम्स। हम बड़े मॉन्स्टर मार रहे हैं इसलिए मुझे आइटम्स आसानी से मिल जाती हैं। तो जब मैं इसका लेवल बढ़ाऊँगा तो मुझे 180 चाहिए एक और लेवल बढ़ाने के लिए। 7 तक हो गया है, घुड़सवार का 5 हो गया, आर्चर का भी चाहिए नहीं था, और 2000 आइटम्स ये वाली इकट्ठी करनी पड़ेगी मुझे। तो ये और ये वाली दोनों आइटम्स आपको रोज़ की एक्टिविटी जो आप करते हैं कंप्लीट अपनी सिटी में वहाँ से मिल जाएंगी। आपको दिखा देता हूँ मैं डेली एक्टिविटी में एक्टिविटीज़, और यहाँ जाएं ये देखें 5 और 6 5 ये मेरिट्स ग्लोरी गोल, 1 चौथी चेस्ट से आपको भी फिर से मिलेंगे 5 और 1, लास्ट चेस्ट में आपको नहीं मिलता। तो आपको तीसरी और चौथी चेस्ट जो 80 और 110 वाले पॉइंट्स हैं वहाँ से आपको ये आइटम्स रोज़ मिलेंगी। और आपको 2 आइटम्स मिलेंगी ग्लोरी गोल्ड और मेरिट जेड मिलेंगे आपको 10 हर रोज़ की एक्टिविटी कंप्लीट करने पर। अगर हंटिंग कर रहे हैं तो और बढ़िया है, हंटिंग से आपको जल्द से जल्द और आइटम्स मिलती जाएंगी ये वाली। तो ये फ़ायदा है काउंसिल ऑफ स्टेट का। तो ये आप एक्टिवेट करें, अपग्रेड करें, प्रमोट करें। जब आप प्रमोशन करेंगे तो ये देखें मैंने प्रमोशन करके अपने लेवल्स को बढ़ाया हुआ है। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो लास्ट वीडियो इंग्लिश में, इसी वीडियो को इंग्लिश में बनाकर तो मैं अपना काम पर वापस जाता हूँ। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।